हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। गाइस, आपको क्या लगता है, अगर आप 2024 में सीपीएल करते हो तो आपको जॉब मिलेगी, वैकेंसीज रहेगी नहीं, या फिर एविएशन मार्केट जो है, एविएशन इंडस्ट्री नेक्स्ट 2 साल में कहाँ जाने वाली है, मतलब 2 साल में वैकेंसीज आती है उनकी, एयरलाइन में वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी? और सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, अगर आप टाइप रेटिंग करते हो तो आपको किसकी टाइप रेटिंग करना चाहिए, बोइंग की करना चाहिए या एयरबस की करना चाहिए, या फिर इन दोनों में से किसकी वैकेंसी ज्यादा आएगी? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे थे और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि आप इस पे एक बार वीडियो बनाइए। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि एयरलाइंस की वैकेंसीज आने वाली है, आएगी या नहीं आएगी, एविएशन इंडस्ट्री नेक्स्ट 2 साल कहां जाएगी, क्या होगा एविएशन इंडस्ट्री में, इससे रिलेटेड हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस पे मेरी राय क्या है, मैं क्या आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको सीपीएल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप सीपीएल करते हो तो आपको जॉब मिलेगी या फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए, तो इस पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं, आई एम शोएब शेख, आई एम अ कमर्शियल पायलट। इस चैनल पे मैं एविएशन रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, स्पेशली हाउ टू बिकम पायलट, इस पे काफी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे दिख जाएंगे। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, उससे आपको मेरे कोई भी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। तो गाइज, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि एयरलाइंस की जॉब कब आती है, एयरलाइन वैकेंसीज कब निकालती है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोई भी एयरलाइन को एक्सपांड करना होता है, और वो एक्सपांड जब करती है तो कोई भी एयरलाइन अपनी फ्लीट साइज बढ़ाती है, अपने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ाती है, न्यू ऑर्डर्स प्लेस करती है। अब जब न्यू ऑर्डर्स एयरलाइन के पास में आते हैं, न्यू एयरक्राफ्ट एयरलाइन के पास में आते हैं, तो उनको नए एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए भी उनको न्यू पायलट्स की जरूरत पड़ती है, और वो फिर वैकेंसीज पोस्ट करती है अपने करियर पेज पे, तब जाके एयरलाइन की वैकेंसीज आती है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट वैकेंसीज। सो गाइज, आइए अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि इंडिया में वो कौन सी एयरलाइंस है जो एक्सपांड करना चाहती है, जिन्होंने न्यू ऑर्डर प्लेस किए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक के इंडियन एविएशन में, इंडियन एयरलाइंस के पास में 733 एयरक्राफ्ट है करंट में जो फ्लाई करते हैं, वो 733 है। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको कि 733 एयरक्राफ्ट अभी तक है इंडियन एयरलाइन के पास में, और नेक्स्ट 2-3 साल में इंडियन एयरलाइन ने काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए, ह्यूज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया है। अब वो जो 3 एयरलाइन है जो एक्सपांड कर रही है, वो है एयर इंडिया, इंडिगो एंड अकासा। इन्होंने काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर किए। 14 फरवरी 2022 में एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए, जिसमें से 250 एयरबस के एयरक्राफ्ट है और 220 बोइंग के एयरक्राफ्ट है। जब से एयर इंडिया टाटा के हाथ में गई है, इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपांड करने का प्लान किया है और इन्होंने काफी ह्यूज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। अभी तक के एयर इंडिया के पास में 134 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है जो करंटली फ्लाई कर रहे हैं। अब इनकी जो फ्लीट साइज है काफी बढ़ने वाली है, अब इनके जो एयरक्राफ्ट है, इनके जो एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑर्डर किए, ये आने वाले हैं, तो इन्होंने काफी ज्यादा वैकेंसीज भी निकालना स्टार्ट किए और ये निकालेगी भी वैकेंसीज। सेकेंड नंबर पे जो एयरलाइन है जिन्होंने ह्यूज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए, वो इंडिगो। इंडिगो ने 23 जून 2023 को 500 A320 एयरबस ऑर्डर किए। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इनके जो ऑर्डर्स है वो कुछ टाइम तो लेते हैं, लाइक 4 से 5 साल इनको लगते हैं ऑर्डर आने के लिए। इससे पहले भी 2019 में इंडिगो ने 300 A320 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए थे। सो गाइज, इंडिगो एयरलाइन इंडिया की टॉप मोस्ट एयरलाइन है, इसके पास में ऑलरेडी पहले ही 353 एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई करते हैं, और इसने एक्स्ट्रा 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर रिसेंटली प्लेस किए। 2023 में इन्होंने ऑर्डर A320 एयरबस के एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए। अब गाइज, जो थर्ड एयरलाइन है जो एक्सपांड कर रही है, वो एक न्यू एयरलाइन है, अकासा एयरलाइन। अकासा ने
18 जनवरी को 2024 रिसेंटली इन लोगों इन्होंने 150 बोइंग एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस किए, 737 इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। इनके पास भी ये न्यू एयरलाइन है, इनके पास में पहले ही 24 एयरक्राफ्ट अभी तक के हो चुके हैं जो फ्लाई कर रहे हैं। इन्होंने न्यू एयरक्राफ्ट के अभी इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं 2024 में, रिसेंटली इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए। अब गाइस ये ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, मतलब अभी तक के इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किए तीनों एयरलाइन ने मिला के 1120 नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए, मतलब नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में 1000 से ऊपर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं इंडिया में। अब ये एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए इनको काफी ज्यादा पायलट की जरूरत भी है। ये एयरलाइंस ने ऑलरेडी अपनी वैकेंसीज निकालना स्टार्ट भी कर दिए। एयर इंडिया ने तो 2022 से ही अपनी वैकेंसी स्टार्ट कर दिए, 2022-2023 में तो काफी ज्यादा एयरलाइंस की वैकेंसीज आई थी। एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी, इंडिगो की वैकेंसी आई थी, अकासा एयर की वैकेंसी आई थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की वैकेंसी आई थी, अगेन विस्तारा की वैकेंसी आई थी, काफी ज्यादा एयरलाइंस की इनकी वैकेंसी आई है। तो एविएशन इंडस्ट्री में गाइस बूम आया है, कोविड के बाद से काफी ज्यादा बूम आया है एविएशन इंडस्ट्री में, काफी ज्यादा एक्सपांड हो रही है एयरलाइंस, काफी ज्यादा एक्सपांड हो रहे हैं। अब ये जो एयरलाइन एक्सपांड हो रहे हैं तो इनको नंबर ऑफ पायलट्स की भी काफी ज्यादा जरूरत है, ये काफी ज्यादा पायलट्स हायर भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एविएशन इंडस्ट्री में बूम आया है और ये काफी अच्छा बूम आया है और पायलट्स को जो है वो काफी ज्यादा स्कोप है। अगर आप सीपीएल करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई है, मतलब आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका सीपीएल और आपके सामने वैकेंसी भी हो, आपको ज्यादा बैठने की जरूरत ना पड़े। अब गाइस उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वैकेंसीज अगर आई भी है तो किसकी ज्यादा आई है, बोइंग की आई है या A320 एयरबस की वैकेंसीज आई है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता दूं कि वैकेंसीज जो आई है वो इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि बोइंग की ज्यादा है या A320 की ज्यादा ही है। अब ये जो दो एयरलाइन है इंडिगो और एयर इंडिया, इन लोगों की वैकेंसीज जो आई है वो एयरबस के लिए आई है, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयरलाइन इनकी काफी ज्यादा वैकेंसीज जो आई है वो बोइंग के लिए वैकेंसीज आई है। एक वैकेंसीज तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये भी आई है कि सीपीएल बेसिस पे भी इनकी वैकेंसीज आके गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2023 में, मोस्टली आई थिंक मार्च मई में वैकेंसीज इनकी आई थी जो कि सीपीएल होल्डर्स के लिए वैकेंसीज थी। सो गाइज काफी ज्यादा वैकेंसीज तो आ रही है। अगर आप टाइप राइटिंग करना भी चाहते हो, अगर आप बोइंग की करते हो या फिर एयरबस की करते हो, तो दोनों में आपको जॉब तो मिलनी है, बट एक बार फिर भी टाइप राइटिंग करने से पहले आप मार्केट देख लेना कि किसकी वैकेंसीज आने वाली है और कौन सी एयरलाइन कौन से एयरक्राफ्ट की वैकेंसीज निकाल रही है, तो उससे पहले आप वो एक बार कंफर्म कर लेना, उसके बाद में ही आप टाइप राइटिंग के लिए जाना। सो गाइज अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको 2024 में सीपीएल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको बोलूँगा आपको बिल्कुल सीपीएल करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको वैकेंसीज आने के और आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। वैसे भी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, हम 2 साल का मैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग के 2 साल तक के तो वैकेंसीज रहेंगी, बट 2 साल के बाद में कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट 2 ईयर्स तो वैकेंसीज रहेगी, आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है आप सीपीएल करके आओ और सामने ही वैकेंसी रहो, आपको सीपीएल के बेसिस पे भी जॉब मिल जाए, आपको टाइपराइटिंग करने की जरूरत भी ना पड़े, एयरलाइन ही आपको टाइपराइटिंग करा ले। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर चांसेस इफ यू डू सीपीएल आफ्टर योर 12th इन 2024 यू विल गेट अ जॉब वंस यू फिनिश योर सीपीएल एंड यू विल बी हैविंग अ जॉब फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स आई एम टेलिंग यू, बट आफ्टर 2 ईयर्स आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री है। सो गाइज मेरी राय है कि आप सीपीएल कर सकते हो 2024 में, अगर आप करना चाहते हो तो आप सीपीएल कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको पायलट बनना है और आपका उसको प्रोसीजर उसका मालूम नहीं है आपको, और आपको या फिर मुझसे 1-on-1 बात करना है, सो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सेशंस। आप उसमें 1-on-1 बात करके हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम पायलट, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। यू कैन ज्वाइन माई अवर काउंसलिंग सेशन, मेरी जो डिटेल्स है काउंसलिंग सेशन की वो नीचे दी गई है, मेरा नंबर है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।